वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मजेदार वाली एक हेयर टिप्स आप बोल सकते हो। तो देखिए, अगर आप लोग भी मेरी तरह क्रेजी हो अपने बालों को अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जैसे मैं जो हूँ ना, मुझे अपने बालों पे कलर करवाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। प्लस मैं अपने बालों के साथ हमेशा एक्सपेरिमेंट करती हूँ हेयर टूल्स के साथ, घर पे बैठे बैठे कभी इस बालों को स्ट्रेट कर लिया, कभी बालों पे कर्ल कर लिया, तो आई एम द क्रेजीएस्ट पर्सन। मुझे बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन आप लोग को पता है एक क्या चीज़, इन सारी चीज़ों के बीच में ना मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा हेयर डैमेज की प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों नहीं होता है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो लड़की इतना तामझाम करती है अपने बालों के साथ, लेकिन फिर भी इसको हेयर डैमेज की प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है? तो वो इसलिए नहीं होता है, जानना चाहते हो ना क्यों नहीं होता है? तो मेरे साथ आप लोग को इस वीडियो में आगे तक बने रहना है और मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैं ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं यूज़ करती हूँ जिसके वजह से मेरा जो बाल है बहुत ज़्यादा सिल्की स्मूदी और इतना सारा तामझाम करने के बाद भी ये डैमेज नहीं होता है। तो यहाँ बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आगे तक और मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। सो यहाँ बहुत ज़्यादा बकबक न करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ मेरे सबसे पहले फर्स्ट हेयर फॉल के प्रॉब्लम को लेकर। तो देखिए, जब मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी ना, तो उस टाइम मैंने हेयर फॉल को बहुत ज़्यादा नोटिस किया था। तो उस टाइम मुझे लगा कि चलो ठीक है यार, बेबी डिलीवरी हुई है, इसी वजह से हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो होता है। ये बहुत ही कॉमन है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिस वजह से हेयर फॉल होना बहुत ही ज़्यादा नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग 6 मंथ वेट किया, उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ वेट किया, 1 साल तक मैंने इस चीज़ को काफ़ी वेट किया कि चलो ठीक है अब होगा कम। और इसी बीच में मैंने 1 या 2 हेयर ट्रीटमेंट भी करवाए थे, लेकिन मुझे जो है ना पर्सनली सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं मिला था। अब मैं अगर आप लोग के साथ बात करूँ पास्ट 6 मंथ का इस ड्यूरिंग, उस टाइम क्या होता, मुझे बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा था। तो यार एक टाइम पे तो ऐसा लगा कि यार सबसे ईजी फंडा ये है कि बाल कटवा दो, छोटे कर दो ना, बाल रहेंगे ना बालों के झंडे का प्रॉब्लम होगा। बट वही चीज़ है ना कि बाल तो कटवा नहीं सकते। कभी कभार ऐसा जब इंसान फ्रस्ट्रेट होता है तो ये उल्टी सीधी चीज़ें दिमाग में आती हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि आप ये वाला हेयर ऑयल आप यूज़ करके देखो, आप ये सीरम लगाओ, आप ये मेडिसिन करो। बट मेरे साथ पंगा क्या हो रहा था ना, देखिए ना, मुझे सबसे पहले माइग्रेन की प्रॉब्लम है, दूसरा मुझे बहुत ज़्यादा मेरी स्किन जो है ना ऑयली है, तो ऑयली स्किन होने की वजह से आई डोंट नो ये सिर्फ मुझे ही होता है या फिर आप में से आप किसी और को भी होता है कि देखिए ना माइग्रेन की वजह से क्या होता है, किसी भी तरीके का हार्श स्मेल रहता है बहुत ज़्यादा, तो वो ना मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। और ऑयलिंग मैं बिल्कुल करवा नहीं सकती क्योंकि जब भी मैं ऑयलिंग करवाती हूँ ना, ऑयली स्किन होने की वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, मुझसे बिल्कुल आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। तो ये मेरे साथ इशू आ रहा था। तो वही काफ़ी चीज़ें उल्टी सीधी हो रही थी, कुछ कुछ चीज़ ऐसा था कि जो मुझे पर्सनली सूट भी नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत से लोगों ने बताया कि नहीं ये बहुत अच्छा होता है बालों के लिए फलान टिकान। तो एक दिन क्या होता ना कि मैं यूट्यूब पे ऐसे नॉर्मली कुछ चीज़ें सर्च कर रही थी, तो सर्च करते करते स्क्रोल करते करते मैंने एक चीज़ देखा कि वहाँ पर बहुत ही बढ़िया एक हेयर मास्क किसी ने दिखाया था कि हेयर मास्क होता है। तो मैंने देखा यार ये चीज़ तो बहुत सही है कि हेयर मास्क जो होता है वो हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, चाहे वो हेयर की स्ट्रेंथ के लिए बात करी जाए, हेयर ग्रो के लिए बात की जाए, या फिर हेयर की किसी भी प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा एक सॉल्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा था, ऑनियन की वजह से मुझे पर्सनली ऑनियन का जो स्मेल है वो बिल्कुल भी नहीं पसंद, स्पेशली मुझे कच्चा वाला आता ना वो बिल्कुल भी मुझसे ना वो स्मेल ही नहीं किया जाता, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन यही सीन था कि उस वाले मास्क में ना उन्होंने वो ऑनियन का ही वो कुछ ऐसा मास्क बना रहे थे। ठीक है, अब क्या किया जाए भाई, मास्क देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो फिर इसी तरह काफ़ी कुछ कुछ चीज़ें नहीं होती, कभी कभी आप वीडियो देखते हो तो वीडियो के लिए कुछ सारी चीज़ सजेशंस में आती है, तो उसमें भी मैंने देखा वन बाई वन कुछ चीज़ें, एक बहुत ही कॉमन सजेशंस में आ रहा था वो था अगेन एक ऑनियन हेयर मास्क का। लेकिन इसके साथ एक अच्छी चीज़ क्या ऐड थी कि उसमें जो ब्रांड वो शो कर रहा था, वो जो ब्रांड था बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड था, और वो जो ब्रांड था मैं पर्सनली बहुत ही ज़्यादा उस ब्रांड की जो चीज़ें हैं प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और उस पर आग बंद करके मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ कि नहीं वो जो चीज़ है बहुत ही अच्छा होगा। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही बढ़िया ऑनियन वाला हेयर मास्क, जो कि ट्रस्ट मी यार मेरे बालों के लिए आप बोल सकते हो बिल्कुल रामबाण है। क्योंकि ना जैसे मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया, तो मुझे कलरिंग करना, हेयर टूल्स के एक्सपेरिमेंट करना, कभी कर्ल हुआ, कभी कर्लिंग हुआ, या फिर कलरिंग हुआ, या फिर कभी स्ट्रेटिंग हुआ, तो मुझे अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इंक्लूडेड इसके कि मुझे मेरे बालों की जो लेंथ है वो मुझे इतने ही ज़्यादा मुझे इतने ही चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा बाल लंबे नहीं चाहिए क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर सकती इसीलिए।
आप बिलीव नहीं करोगे यार, ये जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं भी आप लोग को बताऊंगी, वो जो प्रोडक्ट इतना ज़्यादा इफेक्टिव है यार, लाइक अगर आप लोग इसे मैक्सिमम अगर आप लोग इसे 1 month यूज़ करते हो ना, ये मतलब सॉलिड है, मतलब 100% गारंटी है कि आपके हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। के बारे में आप लोग से बात कर रही थी, वो कोई और नहीं, वो है हमारा मामा एंड अर्थ का ऑनियन हेयर मास्क। ओके, तो अगर गाइस हम लोग बात करते हैं मामा एंड अर्थ के प्रोडक्ट के बारे में, तो ये जो एक प्रोडक्ट है ना, लाइक इसमें ना मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करती हूँ, लाइक इनके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों है अभी मैं आप लोग को बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस ऑनियन हेयर मास्क की। तो ये है हमारा मामा एंड अर्थ का ऑनियन हेयर मास्क विथ ऑनियन ऑयल एंड ऑर्गेनिक बैम्बू विनीगर। तो देखिए, हम सभी को पता है ऑनियन जो होता है हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल होता है, हमारे बालों के किसी भी प्रॉब्लम को वो उसका एक नंबर का सॉल्यूशन होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बैम्बू की, तो मुझे पर्सनली नहीं पता बैम्बू का काम क्या होता है, बट हाँ अगर हम लोग विनेगर की बात करते हैं तो देखिए विनेगर जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, अगेन हमारे बालों के लिए, ये स्पेशली क्या होता है हमारे बालों के पीएच लेवल को मेंटेन करने में बहुत ही ज़्यादा ये हेल्प करता है। ओके, बाय द वे विनेगर से याद है कि अगर अभी तक आप लोग ने मेरा एप्पल साइडर विनेगर का मैंने एक वीडियो वो किया था, अगर आप लोग ने अभी तक नहीं देखा तो उसका जो लिंक होगा वो मैं आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग प्लीज़ एक बार उससे भी जाके चेक करिएगा, क्योंकि उसमें ना मैंने आप लोगों को विनेगर के कितने हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में बताया है, साथ ही उसमें कुछ यू नो हेयर से रिलेटेड भी बात चीज़ें हैं। ओके, तो स्पेशली विनेगर का एक और मेन काम क्या होता है कि जिन लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है उसको उसका भी यू नो सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये विनेगर ही है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ओके, तो अगर हम लोग बात करते हैं इसके पैकेजिंग की, तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका पैकेजिंग है, और इसके अंदर मैं भी आप लोग को दिखाती हूँ। मुझे पर्सनली क्यों इतना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये देखिए, ये जो है ऑलमोस्ट ये बिल्कुल खाली हो चुका है, और ट्रस्ट में ये ना मेरा सेकेंड पैक, मतलब सेकेंड डब्बा जो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। मुझे सच में मामा एंड अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और सच में यार ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इसने अच्छा का वर्क किया है। ओके, तो अगर इसके प्रोडक्ट की बात करते हैं तो देखिए, ये पैराबेन और सिलिकॉन फ्री है, हाइपो एलर्जेनिक है विथ बायो एक्टिव के साथ। तो देखिए, मामा अर्थ के साथ एक और चीज़ सबसे अच्छी क्या है ना, जितना ही ना ये लोग प्लास्टिक बनाते हैं उससे ज़्यादा इन सारी चीज़ों को वो रिसाइकिल करते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, लाइक ये बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स भी हैं। साथ ही में अभी का जैसा हैशटैग चल रहा है वोकल फॉर लोकल, तो उस हिसाब से भाई मैं तो भाई अपने इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा यू नो गर्व महसूस करूंगी कि हाँ मैंने इंडियन ब्रांड को बहुत टाइम पहले से मैंने इसे चूज़ किया था और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ओके, तो अगर मैं ना बात करती हूँ इसके पैकेज इसके प्राइस की, तो ये आप लोग को 600 रुपीज़ में, मतलब 599 का है, 600 में मिल जाएगा। ओके, तो अगर बात करते हैं ये आप लोग कहाँ से ले सकते हो, आप लोग इसे ऑनलाइन स्टोर जैसे अमेजोन, नायका, purple.com पे आप लोग ले सकते हो, आई थिंक शायद ये आज के शायद फ्लिपकार्ट पे भी मिलता है, मैंने एक दो चीज़ें देखी, आई डोंट नो ये मतलब ये पर्टिकुलरली ऑनियन हेयर मास्क मिलता है कि नहीं, बट हाँ मतलब मामा अर्थ के कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि मिलते हैं फ्लिपकार्ट पे। ओके, तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मुझे बता दियो कि मुझे ये पर्सनली इतना ज़्यादा पसंद क्यों आया। आप बिलीव नहीं करोगे, ये एक है तो ऑब्वियसली एक है तो ऑनियन हेयर मास्क, बट इसके अंदर से आपको बिल्कुल भी, मतलब थोड़ी सी भी रत्ती भर भी आप लोगों ने इसमें से ऑनियन का जो स्मेल है बिल्कुल नहीं आएगा, बल्कि आपको इसके अंदर से ना एक बहुत ही अच्छा से ना एक माइल्ड फ्रेग्रेंस आता है, सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे मैंने बताया, अगर आप लोग को भी मेरी तरह अगर इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम है, लाइक माइग्रेन प्रॉब्लम है, या फिर किसी भी तरीके के हार्श स्मेल से अगर आप लोग को प्रॉब्लम होता है, या फिर पर्टिकुलर अगर आपको ऑनियन के स्मेल से ही प्रॉब्लम होता है ना, तो आप डेफिनेटली ये जो है मामा एंड अर्थ का ऑनियन हेयर मास्क जो है, आप इसे एटलीस्ट ज़्यादा नहीं, आप इसे 1 month तक ट्राई करो, और वीक में से सिर्फ 3 बार आप अपने बालों में अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ एक और अच्छी चीज़ क्या पता है, आप लोग इसको सिर्फ रूट में ही, मतलब रूट में ही नहीं लगाना है, आप अगर चाहते हो तो आप इसे अपने स्कैल्प पे भी लगा सकते हो, इससे क्या तो बहुत ही ज़्यादा क्विकली यू नो हेयर ग्रो होता है, मैंने खुद नोटिस किया यार, लाइक ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं तो इसे भाई वीक में 3 दिन तो मैं इसे डेफिनेटली यूज़ करती हूँ, क्योंकि भाई मुझे तो भाई अपने हेयर को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्लोई और हेल्दी हेयर चाहिए। ओके, तो अगर हम लोग बात करते हैं इसे किस तरीके से यू नो अप्लाई करना है अपने हेयर पे, तो इसका जो अप्लाई करने का मेथड बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसे अप्लाई करते हैं। वेल गाइस, अभी देखिए हम यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले मास्क, तो मास्क को यूज़ करने से पहले सबसे पहले अपने बालों को ना बीच से ऐसा पार्टीशन कर लीजिए, फिर थोड़े से हाथ को गीला कर लीजिए, क्योंकि ना ये वेट
बालों पे बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो बस इसी तरीके से अब मैं पूरी तरीके से अपने बालों को पहले वेट कर लूँगी और फिर बहुत ही जेन्युइन सामान में मैं यूज़ करूँगी मेरा फेवरेट ममा एंड अर्थ का ऑनियन हेयर मास्क, जिससे कि बहुत ही जेन्युइन सामान में हमें देखिए इतना सा सिर्फ लेना स्टार्टिंग में। और फिर उसको लेकर सबसे पहले मैं इसे अपने स्कैल्प पे अप्लाई करूँगी और फिर धीरे धीरे जाके बालों के मिडिल पार्ट से लेकर फिर रूट तक से धीरे धीरे करके इसमें अप्लाई कर लूँगी। वन बाई वन करके थोड़ा टाइम देकर आपको अच्छी तरीके से अपने सर पूरे बालों में से अप्लाई कर लेना है और फिर हल्के हल्के हाथों से ना आप इसे मसाज भी करते रहिएगा और फिर धीरे धीरे करके पूरे बालों को आप कवर कर लीजिएगा। इससे क्या होता है, थोड़ा बहुत जब हम लोग मसाज करते हैं तो हमारे हेड का ब्लड सर्कुलेशन जो रहता है वो भी बहुत अच्छी तरीके से होता है, प्लस ये बहुत ही क्विकली ये वर्क भी करता है। तो यहाँ इसे मैंने डन कर लिया और फिर हम इसे एक नॉर्मल एक बन में बन कर लूँगी और फिर मैं भी आप लोग से 10-15 मिनट्स बाद मिलूँगी और फिर आप लोग देखिएगा मैजिक। सो गाइस ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो गया मेरा हेयर। आप लोग भी देखे ना इसे अप्लाई करना कितना ज़्यादा इजी है, लाइक ये बहुत ही ज़्यादा इजी होता है और ज़्यादा नहीं, आप लोग को इसको मैक्सिमम अपने बालों में 15-20 मिनट्स ही रखना है, बहुत ज़्यादा आप लोग को नहीं रखना है। फिर आप नॉर्मल वाटर से, रनिंग वाटर से आप इसे अच्छी तरीके से अपने बालों को वॉश कर लो एंड ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। लाइक जैसे मैंने बताया ना कि अगर आप लोग को मेरी तरह प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ सिर्फ एक बार मेरे रिकमेंड पर आप इसे एक बार ट्राई करके देखो, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। प्लस ये ऑल हेयर टाइप वालों के लिए तो ऐसा जिसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। सो या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप कि आप लोग को आज का जो वीडियो था बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और हेल्पफुल लगा होगा। लाइक अगर आप लोग को भी मेरी तरह हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या चाहे वो डिलीवरी के बाद का हो या फिर किसी भी टाइम में अगर आप लोग को इस टाइप का यू नो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर ममा एंड अर्थ के ऑनियन हेयर मास्क को आप लोग ट्राई करिएगा ज़रूर। मैं कोशिश करती हूँ कि अगर इसके और भी अगर हेयर के यू नो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मतलब मेरे हिसाब से जो मुझे सूट करता है, अगर वो मुझे सूट किया तो मैं एक दो चीज़ें और यू नो अभी यूज़ कर रही हूँ, अगर वो मुझे सूटेबल लगा तो मैं डेफिनेटली उसका भी जो रिव्यू वीडियो हुआ तो मैं आप लोग सर डेफिनेटली शेयर करूँगी, जिससे आप लोग के लिए भी ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। एंड यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो और अगर आप लोग को मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जब भी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँ इसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और हाँ, आप लोग अब मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो आप लोग को नीचे यहाँ पर स्क्रीन पर दिख जाएगा, प्लस मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। एंड यार प्लीज़ उस वीडियो को शेयर करिएगा, अगर जैसे कि मेरी तरह और भी जितने लोग हैं जिन लोगों को यू नो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। और प्लीज़ डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप लोगों ने मेरे रिकमेंड पे अगर ममा एंड अर्थ का हेयर मास्क यूज़ किया है ऑनियन वाला तो कितना ज़्यादा इफेक्टिव रहा आप लोगों के लिए। एंड या दैट्स इट। सो यार मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दिग्गा दिग्गा।